अभी पूरी तरह सभी लोगों ने लगवाया लेकिन जिन्होंने लगवा लिया वो सुरक्षित है, सभी लोग इस वैक्सीन को जरूर लगवाएं। जिस तरह से शहर में भीड़ बढ़ रही है, कई सारी पार्टियां हो रही है, कई सारे रेस्टोरेंट दो दो बजे तक चल रहे हैं, तो उसके लिए सतर्कता तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जान है तो जहान है, तो ये सभी को समझना होगा। जिस प्रकार से बीमारी फैल रही है तो उसके लिए हम सबको मिलकर इस बीमारी को भगाना है, तो हम सभी को इनके नियम पालन करना होंगे, कोरोना के जो नियम है वो पालन करना पड़ेंगे, तभी हम इस बीमारी से छुट्टी पा सकते। टाइगर अभी जिंदा है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? माननीय मुख्यमंत्री जी, जिस तरह से मध्य प्रदेश में तेजी से काम कर रहे हैं, जिस तरह से भू माफियाओं पर लगाम लगाई है, और जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने शिकंजा कसा है, तो वास्तव में टाइगर जिंदा है। नगरीय निकाय चुनाव के लेके क्या कहना चाहेंगे? नगरीय निकाय का अभी कुछ मालूम नहीं, क्योंकि चूंकि बंगाल और असम में चुनाव है, उसकी वजह से आगे भी बढ़ सकते हैं, अभी कोई निर्णय नहीं हुआ। किसी प्रकार का कोई संकोच ना करें, क्योंकि जो सामान्य इंजेक्शन लगता है उसी तरह ये भी है, नॉर्मल तरीके से आधा घंटा आप रेस्ट करें और फिर अपने काम पर चल दें। सभी लोगों के मैंने भी अनुभव लिए हैं, सभी लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से इसको लगवाया भी है, और आगे कोई इसका साइड इफेक्ट कुछ भी नहीं है, और बिल्कुल ना डरें और वैक्सीन लगवाएं, यही निवेदन है। कल जो बैठक हुई, बैठक के बाद लॉकडाउन लग जाएगा, 10 बजे के बाद होटलें बंद हो जाएंगी, रेस्टोरेंट, तो शादी ब्याह, इसके लिए क्या कहना चाहिए? व्यापारियों को ये भय होना चाहिए कि बीमारी ना फैले, और सभी लोग सतर्क रहेंगे तो ये बीमारी कम होगी, बढ़ने के बजाय बड़ी क्यों है, ये हमारी सबकी लापरवाही से बड़ी है। जिस प्रकार से लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं, सभी लोग समझें बीमारी पूरी तरह से ख़त्म हो गई, लेकिन बीमारी पूरी तरह से नहीं गई है। हमको बहुत सतर्कता की आवश्यकता है, मास्क लगाएं, सैनिटाइज करें और दूरी बना कर रखेंगे तो हम इस बीमारी से पूरी तरह बिल्कुल निजात पा सकेंगे। तो मैं सभी लोगों से निवेदन करती हूँ कि इन चीज़ों का पालन करेंगे तो हम इस बीमारी को भगा पाएंगे। ये भय होना चाहिए कि अभी ये बीमारी गई नहीं है, और सभी लोग वैक्सीन लगवा लें ताकि हम सुरक्षित रह सकें। होटल संचालकों का कहना है कि 10 बजे जब मार्केट बंद हो जाएगा, हम पहले वैक्सीन ले लो। जी भाभी, अभी आज वैक्सीन लगाई है, क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं पहला डोज वैक्सीन का आज लगवाया है यूनिक हॉस्पिटल में, और सभी से निवेदन करूंगी, शहरवासियों से, कि सभी लोग वैक्सीन लगवाएं, क्योंकि बीमारी खतरनाक है, और इस बीमारी से बचने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह लॉकडाउन किया और जिस तरह से वैक्सीन निकाला है हमारे भारत देश में, जो वैक्सीन निकली है वो बाहर विदेशों में भी जा रही है, तो वैक्सीन बहुत ही कारगर है, और सभी लोगों से निवेदन है कि वैक्सीन जरूर लगवाएं, क्योंकि हमको इस बीमारी से बचना है, तो इसका उपयोग सभी करें। और दूसरा डोज 28 दिन बाद फिर से लगेगा। सभी हमारे डॉक्टर्स, पुलिस कर्मी और सभी अधिकारियों को ये वैक्सीन लग चुका है, और सभी शहरवासियों से भी मैं पुनः निवेदन करूंगी कि वैक्सीन जरूर लगवाएं।